अस्सलाम वालेकुम, आ गई मैं, खुश आमदीद। इस वक्त बरतानिया में 10 से 30 लाख तक अफराद किसी न किसी ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार है, जिनमें से 20% की तादाद मर्दों की है। ईटिंग डिसऑर्डर्स की कई अकसाम हैं और ये उन नफसियाती बीमारियों में से है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हलाकतें होती हैं। इस बीमारी के बारे में मजीद जानने के लिए और गुफ्तगू करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है एक ऐसे माहिर नफ्सियात को जो कि पिछले 14 सालों से मेंटल हेल्थ की फील्ड में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं विद इन द एनएचएस। इसके अलावा उन्होंने पिछले 10 साल से ईटिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स के साथ काम किया है, बेशुमार खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त पेंडेमिक की हालत में इंडियन कोविड टास्क फोर्स के लिए वो ऑनलाइन वॉलंटियरिंग भी कर रहे हैं। हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में डॉक्टर महमूद नासिरी को जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त बर्मिंगम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड। सो डॉक्टर महमूद नासिरी, माशाल्लाह यू हैव डन सम अमेजिंग फैंटास्टिक वर्क इन दिस फील्ड। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स में आपने कई साल काम किया है और काफी सारे पेशेंट्स के साथ काम किया है, तो इसकी क्या वजह है, व्हाई ईटिंग डिसऑर्डर्स? ये एक ऐसी फील्ड है वारिसा, जैसे आपने कहा कि विथ इन साइकाइट्री, वैसे तो मेरी ट्रेनिंग सारी साइकाइट्री में है और मैं बर्मिंघम में यहाँ पे काफ़ी अरसे से रहा हूँ, लेकिन सारे नफ्सियाती अमराज में, जैसे आपने कहा, अगर डेडलीस्ट कोई है तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ईटिंग डिसऑर्डर्स में। जी और ये काफ़ी चैलेंजिंग फील्ड है, और बाकी दूसरे नफ्सियाती अमराज के कंपैरिजन में डॉक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल इसमें होता है, इसके पहचानने में और इसको इलाज करने में। तो ये मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगता था, एंड जी दैट्स व्हाई आई फाउंड इट वेरी अट्रैक्टिव इन दैट सेंस। अच्छा, एक मिथ है कि ये डिसऑर्डर सिर्फ खवातीन में होता है, मर्द हजरात इसका शिकार नहीं होते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सच है कि इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है, अकरेंस है, इसमें खवातीन में ये काफ़ी हद तक ज़्यादा पाया जाता है। तो एक सही, आज़ादोशुमार के मुताबिक 1:10 का रेशियो है, तो सही। एक मर्द अगर होगा तो 10 औरतों में ये ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इन मॉडर्न टाइम्स में देख रहे हैं कि मर्दों को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। सही। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को इसको बताइए जो हमारा ये लाइव शो देख रहे हैं, और मैं इनकरेज करूंगी अपने सामेईन से भी कि अगर वो डॉक्टर महमूद से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो वो हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे हिदायत टीवी के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर महमूद, सबसे पहले आप ये बताइए कि ईटिंग डिसऑर्डर्स है क्या, इसकी क्या एग्जाम है? तो अगर मैं आपको ईटिंग डिसऑर्डर समझाना शुरू करूं, तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, बॉडी इमेज। हम सबकी सही, एक बॉडी इमेज होती है, जिस्म की जो हमारी वजह है, हमारा वजन का जो एक आइडिया है, उससे हमारी बॉडी इमेज तय होती है। तो अगर मैं आपके सामने तीन मुख्तलिफ लोगों को लाऊं, जो कि एक बहुत पतला होगा, जो कि एक नॉर्मल होगा, और एक तीसरा आदमी होगा जो जो काफी मोटा होगा, तो सही। हमारी और आपकी बॉडी इमेज का जो परसेप्शन होगा वो तकरीबन एक ही होगा। तो हम कह सकेंगे कि हाँ, ये काफी पतला है, ये थोड़ा सा नॉर्मल है और ये मोटा है। लेकिन अगर ये बॉडी इमेज में कोई प्रॉब्लम आ जाए मेरे परसेप्शन में, यानी कि मैं नॉर्मल होते हुए भी अगर मुझको लगे कि मैं मोटा हूं, तो इसको कहते हैं बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन। यहाँ पर नफसियाती मर्ज जो है ये वही होता है ईटिंग डिसऑर्डर्स में। हमारे मुआशरे में आजकल इतना इम्पोर्टेंस हो गया है पतले होने का, या वजन कम रखने का, या अगर आप जी मोटे हों तो फिर आपको खूबसूरत नहीं समझा जाता, या आपको जिंदगी में जो सक्सेस मिलनी होती है, जॉब मिलनी होती है, ये सारी चीजों का एविडेंस है कि ये सब चीजें नहीं मिली। तो और जो हमारे पास जो इमेजेस की बम्बार्डमेंट है मीडिया से हो,
किसी भी फील्ड में हो, जी तो एक्टर्स हैं या मॉडल्स हैं, हर चीज में आपको जी दुबले पने में रहना है या पतले पने में रहना सही है। तो उससे जो जो ये फिर सिम्टम्स निकल रही हैं, ये बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन में आती हैं, और सही इसकी वजह से जो यंग लोग हैं आमतौर पे वो इसका शिकार हो जाती है। तो इसकी अगर बेसिक वजह देखी जाए तो फिर यही है कि हम जो इससे सफर करता है वो, उनको ये लगता है कि वो काफी मोटे हैं जबकि वो नॉर्मल होते हैं या काफी अंडरवेट भी होते हैं। सही, यानी उनका नजरिया जो है अपने बॉडी को लेके वो बहुत ही डिस्टोर्टेड होता है। जो हकीकत होती है वो उनको नजर नहीं आती, और जो उनकी परसेप्शन होती है उसके हिसाब से वो देखते हैं। जी, सही, इस हद तक वो खराब हो सकती है कि वो बिल्कुल अपने सीरियसली इल की तरफ हो जाते हैं अंडरवेट होने की वजह से, लेकिन वो उनको फिर भी नजर नहीं आता, और इसी रीजन से इसी वजह से उनकी मौत भी होती है कभी कभी। सही सही। जबकि ये सुन के काफी हैरत होती है, क्योंकि अगर आप दूसरे नफसियाती मसाइल की तरफ अगर नजर डालें तो बहुत से ऐसे हैं जो काफी खतरनाक भी हो सकते हैं हेल्थ के लिए, लेकिन डेथ रेट जिसका सबसे हाईएस्ट है वो एनोरेक्सिया का है। तो इसकी जी मेन हाँ, वजह क्या है? मैं इसकी वो डेथ रेट के बारे में मैं यूजुअली यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगहम में भी लेक्चर्स देता हूँ, तो स्टूडेंट्स को मैं अच्छा, अपने जब ओपन करता हूँ लेक्चर तो मैं इसी इसी बात पे उनको एक स्लाइड यही बताता हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट्स को कि जो चार जो मेन मेंटल इलनेसेस हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या डिप्रेशन, बाइपोलर और एनोरेक्सिया, उनसे यही पूछता हूँ कि आप बताएं कि इनमें से सब में ज्यादा डेडलीस्ट कौन सी होगी, और फिर उनको मैं ये बताता हूँ कि इन इन सारों में एनोरेक्सिया है, तो वो काफी उनका इंटरेस्ट उसमें आ जाता है लेक्चर में, और मैं फिर वहां से शुरू करता हूँ। आपका जो सवाल है कि ये वजह क्यों है, ये इसलिए है कि जैसे जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जब कोई खाना नहीं खाता या जो अपने आप को स्टार्व करता है ज्यादा, तो बॉडी के हर फंक्शन पे उसका असर हो सकता है। लेकिन और जब आपसे ये सेंस हट जाए कि आप जब इनफ आपने वजन लूज कर दिया, तो नॉर्मल तौर पे ये होता है कि हम समझ सकते हैं कि ठीक है, अब यहाँ रुक जाना चाहिए और अब हमको अब हद से ज्यादा वजन लूज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये सेंस हट जाए तब बॉडी काफी नुकसानात का सामना करना पड़ता है बॉडी को, तो इसीलिए सही इसमें रिस्क ज्यादा होता है। सही। अच्छा, एक होता है तरीका वजन घटाने का जो मतलब सेफ समझा जाता है, और कुछ तरीकेकार होते हैं जिनको खतरनाक भी कहा जाता है और अनसेफ कहा जाता है वजन घटाने के लिए। तो इन दोनों में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को फर्क बता दीजिए, ताकि वो समझ सकें कि व्हाट आर हेल्दी एंड अनहेल्दी हैबिट्स ऑफ रिड्यूसिंग वेट। तो आमतौर पे हम जो मेयार इस्तेमाल करते हैं बॉडी का वेट नापने के लिए, उसको कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। अगर आप गूगल करें कोई भी तो उसको देख सकते हैं। ये बेसिकली एक एक फॉर्मूले के तहत एक रेशियो निकाला जाता है कि आपकी जो हाइट है, ऊंचाई है, आपके खत के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूले के तहत निकाला जाता है। उसमें यह समझा जाता है कि BMI ऑफ 20 to 25, 20 से 25 तक का जो है वो नॉर्मल जी BMI माना जाता है, और सही अगर 20 से आपका कम होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका वजन कम है और आपको थोड़ा सा गेन करके 20 के अंदर आना, 20 से 25 के बीच में आना चाहिए। 25 से 30 के बीच में जो है वो ओवरवेट माना जाता है, 30 के अबव ओबेसिटी। ठीक है, सही तो ये नॉर्मल मियार हो गया 20 से 25 का, ठीक BMI का, बॉडी मास इंडेक्स का। ठीक अब अगर हम इसके अगर हम 25 से बढ़ के हों तो फिर हमको चाहिए कि उसमें से थोड़ा सा अपने ग़िज़ा को बैलेंस करें और सही अच्छी ग़िज़ा खाएं, जो जो ओबिसिटी यानी कि मोटापा पैदा करने वाली ग़िज़ा है वो ना खाएं, और हम हेल्थी तरीके से अगर आप रेट ऑफ वेट लॉस जो होता है
किस किस रेट से हम बॉडी वेट लूज करें, तो 1.5 to 1 kg पर वीक आप लूज कर सकते हैं वेट, और ये एक हेल्थी वेट लॉस का तरीका होगा ये सब चीजें बैलेंस डाइट खाने से। लेकिन अगर आप ये जो एनोरेक्सिया में जो देखा जाता है वो ये होता है कि लोग वो कम की तरफ ही होते हैं, यूजुअली उनका बीएमआई 20 से कम होता है या 20 के अराउंड होता है, कुछ का तो काफी कम भी होता है 16-17, जो कि सीरियस वेट रेंज में आना शुरू हो जाता है। उसके बावजूद वो लोग अनहेल्थी तरीके से वेट लॉस करते हैं। तो ये एक तो ये खाते नहीं है, रेस्ट्रिक्ट करते हैं काफी गजा जो कि उनके वेट पे अब नॉर्मल है। उसके अलावा ये अनहेल्थी मीन्स जो होते हैं, जैसा कि वॉमिटिंग इंड्यूस करना होता है, यानी कि उल्टी निकालना अपनी हलक में उंगली डाल के या कुछ और करके, या फिर ऐसी दवाएं खाना जिससे कि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, यानी कि लैक्सेटिव्स होते हैं जो जो आमतौर पर कब्ज में खाई जाती हैं, या डायुरेटिक्स होते हैं जिससे यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, या ओवर एक्सरसाइज करना जहां पे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे एक्सरसाइज करना कम वेट होते हुए भी, ऐसे ऐसी जो चीजें होती हैं उनको वो उनको अनहेल्थी या माल अडेप्टिव वेट लॉस की स्ट्रेटेजीज कहा जाता है इसमें। सही, तो इससे तो उनके जिस्मानी सेहत पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता होगा अगर आप इतना मतलब इंड्यूस कर रहे हैं, वोमिटिंग फोर्स कर रहे हैं आप अपने आप को, और जैसे आपने एग्जांपल दी लैक्सेटिव्स लेने की, इन सब से बॉडी पे क्या असर पड़ता है? इन सब से बॉडी पे काफी खराब असर होता है। तो अगर आप इंड्यूस्ड वॉमिटिंग की बात करें तो हम जैसे जानते हैं हमारे मेदे का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि हमारे मेदे में एसिड प्रोड्यूस होता है, तो जो जो गैस्ट्रिक एसिड्स होती हैं वो वॉमिटिंग के साथ निकलती हैं, उससे दांतों पे काफी असर होता है। और ये जो क्विक आप अपने फ्लूइड्स लूज करते हैं बॉडी से, यानी वॉमिटिंग के थ्रू हो या लैक्सेटिव्स के थ्रू हो, उससे हमारे जो खतरनाक असरात होते हैं वो हमारे ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स पे होते हैं, यानी कि बॉडी में जो सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं हमारे ब्लड में, उनका जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है, और ये इससे काफी सडन इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एरिथमिया, जो कि हार्ट ये जो एलिमेंट्स है वो हार्ट के अपने रिदम को कायम रखने में भी इनका काफी रोल होता है, लेकिन अगर इनका तवाज़ुन बिगड़ जाए तो हार्ट का रिदम बिगड़ने का खतरा होता है। सही जी, इससे मुझे एक रिसर्च स्टडी याद आई जो मैंने कुछ अरसे पहले पढ़ी थी, जिसमें था कि जो लोग अंडरवेट होते हैं यानी बहुत ही ज्यादा जिनका वजन कम हो, या वो लोग जो बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा है, उन दोनों को ही हार्ट डिजीजेस का खतरा होता है आगे इन द लॉन्ग रन, तो उसकी वजह भी क्या यही है? जी हाँ, ओवरवेट होने का तो हम काफी जानते हैं कि ओबेसिटी में हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, तो उससे हमें डायबिटीज का खतरा ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का खतरा ज्यादा हो जाता है, तो ये तो ओबेसिटी के साइड का हो गया, और उससे जो जो खल्क की हेल्थ है उसको उसको असर पड़ेगा। लेकिन दी अदर साइड, जैसे मैंने कहा है, अगर आप बहुत अंडरवेट हो तो फिर आपकी हार्ट को जो हार्ट के मसल को जो न्यूट्रिशन मिलना है वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो हार्ट का मसल वीक हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा है कि हार्ट का रिदम बिगड़ सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, तो एरिथमिया जिसे कहा जाता है, जिससे सडन डेथ्स होती हैं, तो वो होता है। तो दोनों ही हालात में, ओबेसिटी यानी कि मोटापे और अंडरवेट होने की हालात में, हार्ट को खतरा तो है लेकिन उसके वजूहत अलग अलग है, मैकेनिज्म्स अलग अलग है। सही, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन हमारे सोसाइटी में काफी है कि जो लोग जिनका वजन ज्यादा है, मोटापे का शिकार है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो कमजोर हैं या जिनका वजन बेइंतहा कम है उन्हें कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, तो ये एक मिसकंसेप्शन है बिकॉज़ दे बोथ आर प्रोन टू दैट। अच्छा, आप बात की एनोरेक्सिया, जी नहीं सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आप बताएं, सॉरी मैम। आप बात कर रहे थे एनोरेक्सिया नर्वोसा की, इसके अलावा भी एनोरेक्सिया के कोई टाइप है? जी हाँ, तो
खुद ये एक ब्रॉड टर्म है ईटिंग डिसऑर्डर्स। अगर जैसे मैंने आपको शुरू में बात बताई बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन की, अगर हम उसको पकड़ के चले तो कुछ लोग होते हैं जो जिसका बॉडी इमेज डिस्टॉर्टेड है, वो हमेशा वजन लूज कर रहे हैं, उन्हें बे इंतहा खौफ है अपनी अपनी बॉडी को देखने से, अपने आप अपने अपने आप को मोटा तसव्वुर करने से। तो वो अगर वो उनमें कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसी हों कि अगर परफेक्शनिज्म है, हाई अचीविंग हो, हार्ड वर्किंग हो, तो फिर वो इतना वजन अपना लूज कर देते हैं कि वो खतरे के उसमें आ जाते हैं और उन्हें उन्हें एनोरेक्सिक कहा जाता है। लेकिन बाज लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स में ये चीजें नहीं होती, वो उतनी डिसिप्लिन से डाइटिंग नहीं कर सकते जैसे एनोरेक्सिक करते हैं, और उनमें इम्पल्सिविटी होती है यानी कि अचानक कुछ कर देने की, वो तो वैसे लोग फिर बिंज ईटिंग पे गुजर जाते हैं। तो बिंज ईटिंग का मतलब ये है कि दिन भर तो मैंने नहीं खाया, लेकिन जब शाम हुई तो 12-14 घंटे के भूखे रहने के बाद मैं बिंज ईटिंग पर चला जाता हूँ। मतलब ये है कि एक कम वक्फे में, आधा घंटे, घंटे, 2 घंटे में मैं इतना खाना कंट्रोल लूज करके खा लेता हूँ कि जो कि किसी के लिए भी एबनॉर्मल है, उसको कहा जाता है बिंज ईटिंग। तो या तो 15 घंटे में भूखा था, फिर 15-20 मिनट 1 घंटे में मैंने इतना सारा खाना खा लिया, तो फिर उसकी वजह से इंटेंस गिल्ट की फीलिंग आती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर वो वॉमिटिंग्स इंड्यूस करते हैं, एबनॉर्मल मेथड्स ऑफ कॉम्पनसेशन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ओवर एक्सरसाइज हो या वॉमिटिंग हो या लैक्सेटिव अब्यूज हो। तो ये जो मर्ज है इसको बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है। सही। तो एनोरेक्सिया हो गया, ये अंडरवेट साइड पे है। बुलिमिक्स का ऐसा होता है कि हो सकता है बिंजिंग की वजह से इनका वजन नॉर्मल हो या बिल्कुल थोड़ा सा कम अंडरवेट हो, लेकिन ये कॉम्पनसेटरी बिहेवियर्स करने ज्यादा रहते हैं। तो ये दो अकसाम हैं इसके। और बड़ा ईटिंग डिसऑर्डर्स में एक बड़ा तबका पेशेंट्स में ऐसा है जो कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो है, इनको कहा जाता है ईटिंग डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो ज्यादातर तादाद जो है इनकी इसमें भी होती है। सही। अच्छा, जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं यानी कि एक साथ बहुत सारा खा लेना और बाद में गिल्टी फील करना, तो इससे क्या उनका वेट जो है वो बढ़ जाता है? क्या ओबेसिटी हो सकती है इस वजह से? हाँ, हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि वो बिंज करते हैं लेकिन फिर उसको कॉम्पनसेट भी करते हैं। तो आमतौर पर इन्हें ये नॉर्मल वेट रेंज में पाए जाते हैं। और अब और अगर इसमें मजीद और इसको क्लासिफाई किया जाए तो एक बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी है जहां पे वो कॉम्पनसेट नहीं करते, इसको बीईडी में बीईडी यानी कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है, और इनका यूजुअली ओवरवेट भी होते हैं। ऑल्दो ये अलग अलग अकसाम है ये इस बीमारी के, लेकिन जैसे मैंने कहा है इसका रूट कॉज एक ही है, बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट और इंटेंस प्रीऑक्यूपेशन विद लूजिंग वेट। ये इसकी रूट जो कॉज है वो एक ही है और इनका इलाज एक ही उसमें हमको वो करना होता है। अच्छा, रूट कॉजेस के बारे में जरा हमें तफसील से बताइए कि लीडिंग फैक्टर्स क्या हैं, क्या वजूहात हैं जिनके वजह से किसी भी नॉर्मल हेल्दी इंसान को जिंदगी में कभी भी ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है? वैसे तो इसकी एग्जैक्ट कॉज, एग्जैक्ट वजह किसी को अभी तक पता नहीं है, लेकिन खियास है और मल्टीफैक्टोरियल जिसे कहा जाता है कि कई कई वजूहात का या तो एक वजह या तो मिक्सचर ऑफ रीजंस हो सकती हैं। तो जो जो वजूहात को इम्प्लीकेट किया गया है इसमें, पहले तो जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा माशरी निज़ाम है, जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे माशरे के, पतला दिखने के, अच्छा दिखने के, खूबसूरत दिखने के, ये आमतौर पर यंग लड़कियों को इससे काफ़ी अफेक्ट होता है। स्कूल्स में जो माहौल है, जो जिसका वजन बढ़ के हो उन पे बुलिंग होती है स्कूलों में, आमतौर पे गर्ल्स ओनली स्कूल्स में, तो इस ये एक एक वजह जानी जाती है। दूसरा इसका जो एक बड़ा रीजन हो सकता है कि ये देखा गया है कि ये फैमिलीज में रन करता है, तो जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन जिसको कहा जाता है वो भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस का रोल है, तो देखा गया है कि 14-15 साल की उम्र में जब बच्चे जवान होते हैं, जब हार्मोन्स का ज्यादा बॉडी में रवानी होती है, तब ये
उसको वो एक फैक्टर भी देखा गया है। तो इस तरह से इसके इसके काफी वजूहात देखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यंग लोगों में ज्यादा इसके चांसेस हैं, जैसे आपने मिसाल दी कि टीनेजर्स या स्कूल गोइंग? जी हाँ जी हाँ, वैसे तो ये आमतौर पे इसका जो एज ऑफ ऑनसेट यानी कि शुरू होने की जो एज है, यूजुअली 12 13 14 साल की लड़कियों में ज्यादातर पाया जाता है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि ये काफी एज कम कम से कमतर की तरफ होती जा रही है, क्योंकि इतना बॉम्बार्डमेंट हो रहा है परफेक्ट बॉडी इमेज का जो होता है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि वो और कम हो रही है। लेकिन आमतौर पर ये यंग, मैं कहूंगा कि 15 से 30 साल की जो उम्र है वो उनमें सब में ज्यादा देखा जाता है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, जिन लोगों को कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, मिसाल के तौर पे अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है या इसको सिवियर एंग्जाइटी है, कोई भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, क्या इसकी वजह से कैन दे डेवलप ईटिंग डिसऑर्डर आगे जाके? इसका आंसर ऐसा है कि ये दोनों काफी तौर पे नजदीक देखे जा सकते हैं। डिप्रेशन एंग्जाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर का काफी हमको अक्सर नजर आता है कि जिसके पास ये जो पेशेंट इससे आते हैं उनमें ये भी पाए जाते हैं। इसकी इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 20 से कम होता जा रहा है, यानी कि जैसे कि अंडरवेट आप होते जा रहे हैं, तो आमतौर पे अगर ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में कि आप और मैं हमको भी किसी वजह से अगर खाना ना मिले और हमारा वजन कम होता जाए तो उनमें डिप्रेशन पैदा हो जाता है। तो ये मालूम हुआ कि अगर आपका बॉडी वेट कम है तो आपकी बॉडी डिप्रेशन में चली जाती है। तो ये आमतौर पे अगर आप फिर खाना ठीक हो जाए, आपका आपका बॉडी वेट नॉर्मल हो जाए, तो फिर वो डिप्रेशन चला जाता है, उसको कोई दवा की जरूरत नहीं है। तो 20 से 25 में जब वापस बॉडी रेंज में आते हैं तो चला जाता है। तो ये एक वजह है कि डिप्रेशन इनमें ज्यादा देखा जाता है। और दूसरी वजह ये है कि बिकॉज ऑफ गेटिंग सो ऑब्सेस्ड, यानी कि इतना वो मशगूल हो जाते हैं अपने वेट के उसमें, अगर उनको वेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आए तो वो फिर डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये भी देखा सही, लेकिन आमतौर पर ये दोनों चीजें नजर आती हैं साथ। सही। अच्छा, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो मतलब जिनका प्रोफेशन है मॉडलिंग, जैसे कि आपने मिसाल दी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, एक मिसकंसेप्शन कह लें, मिथ कह लें, एक स्टेरियोटाइप कह लें कि एक जीरो बॉडी जो साइज का एक है ऑब्सेशन कह लें, इसके वजह से मॉडल्स में ईटिंग डिसऑर्डर्स की जो शरह है वो काफी ज्यादा नजर आती, बल्कि कहते हैं आई थिंक इट्स 40% अमंगस्ट मॉडल्स। तो ये जो डिस्टॉर्टेड इमेज है, ये दूसरों की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से मतलब दिमाग में ये चीज शुरू होती है, या इट्स समथिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन? ये स्टार्ट तो माशरे की वजह से होती है, पीयर प्रेशर की वजह से होती है। जैसे आपने कहा, कुछ प्रोफेशंस हैं जहां पर अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, मीडिया हो गया, एक्टिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, डांसर्स में, बैले डांसर्स में ये काफी ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि इन प्रोफेशंस में आपको कम से कम तर वजन के होना बहुत जरूरी है और अच्छे दिखना बहुत, इस पे बहुत सारा इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस लेड है प्रोफेशनली भी। कुछ साल पहले फ्रांस में तो लॉ भी आया था, क्योंकि वहां पे मॉडलिंग काफी ज्यादा होती है फ्रांस में, उसमें जी। तो वहां की गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ा था क्योंकि कई मॉडल्स की डेथ्स हो रही थी इस वजह से। तो ये काफी हो सकता है, लेकिन तो ये शुरू तो इस तरह से होता है, लेकिन अलोंग द वे ये होता है कि फिर बॉडी में कुछ ऐसा आपके नफ्सियात में गलत हो जाता है कि वो सेंस ऑफ बैलेंस आप लूज कर देते हैं कि कब आपको रुकना है। वो आमतौर पे हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हम अगर हम हमारा वजन ज्यादा भी हो और हमने वजन लूज करना शुरू भी किया हो, तो आमतौर पे ये होगा कि जब हम हमारे आइडियल वेट पे पहुंच जाए तो फिर हम उसको खत्म कर दें। लेकिन अगर वो सेंस चला जाए तो ये हो जाता है इन पेशेंट्स में, ये होता है कि वो सेंस ऑफ जहां स्टॉप करना है वो चला जाता है, और इस वजह से दे कीप ऑन लूजिंग वेट और उनका आइडियल वेट नीचे से नीचे होता जाता है और कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, जैसे आपने मिसाल दी थी कि कुछ लोग ड्रग्स का या सब्सटेंस का भी यूज कर सकते हैं अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए अपने मुताबिक, तो क्या ये रुझान एथलीट्स में भी नजर आता है या वो लोग जो स्पोर्ट्स की फील्ड में है?
क्या वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं टू मेंटेन अ सर्टेन वेट? जी हाँ, ये आमतौर पे देखा गया है। ऑल्दो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा ईटिंग डिसऑर्डर पर से क्योंकि जी एथलीट्स में जो आमतौर पे ड्रग्स का सहारा लिया जाता है वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का सहारा लिया जाता है। दोज आर परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स अच्छा सही जो कि ईटिंग डिसऑर्डर से मुख्तलिफ है। लेकिन बाज एथलीट्स में ये देखा जाता है कि वो अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा के वेट कम करना चाहते हैं टू गेट इनटू अ पर्टिकुलर वेट कैटेगरी। सो फॉर एग्जांपल कोई बॉक्सिंग की वेट कैटेगरी है, आपको 65 किलो से कम होना है उस वेट कैटेगरी में लड़ने के लिए, लेकिन आपका वजन 67 है, तो फिर वो ऐसे ड्रग्स का यूज करते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रातों रात बढ़ जाए, आपका वजन 2 किलो कम हो जाए और आप राइट वेट है। ये भी फोर्जरी माना जाता है, फ्रॉड माना जाता है, लेकिन ये भी होता है। तो ये दो अलग अलग क्लास ऑफ वो है, लेकिन ये ईटिंग डिसऑर्डर से मुख्तलिफ। अच्छा ऐसा मुमकिन है कि अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर हो और उनको इस बात की खबर भी ना हो कि इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स समथिंग दैट दे नीड टू सीक हेल्प फॉर, और फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इस चीज को और भी ज्यादा एग्रीवेट कर दें उस कंडीशन को या सिम्टम्स को, तो ऐसे सूरत हाल में आप क्या एडवाइस देंगे लोगों को अगर उनके घर में कोई ऐसा फर्द हो मौजूद जिसको ईटिंग डिसऑर्डर हो? जी हाँ, बाज दफा इसको पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है, खुसूसन हमारे एशियन BAME जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनमें इतनी आसानी से इसको पहचान नहीं, खुद पेशेंट्स कई दफा इसको पहचानते नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तो, क्योंकि हम हमारे माशरे में ऐसा होता है कि थोड़ा खाओ अच्छे लगोगे, ये भी एक परसेप्शन है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तो खा रही हूँ लेकिन मैं वेट नहीं गेन कर रही हूँ। लेकिन जब मैं उनकी सारी हिस्ट्री पूछता हूँ क्या खा रही हूँ, मैं बहुत खा रही हूँ, लेकिन जब जब उनका फूड चार्ट जिसे हम कहते हैं वो बनाते हैं तो पता लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ दिन भर में 4 चाय पी रही हैं और 2 टोस्ट खा रही हैं और उसको ही बहुत समझ रही हैं, अगेन बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन की वजह से। तो हमको या ये पेरेंट्स को एडवाइस करना जरूरी है कि ये देखें कि बच्चे क्या खा रहे हैं, कहीं वो हद से ज्यादा ऑब्सेस तो नहीं हो रहे हैं अपने बॉडी इमेज को लेके, उन उनमें विदाउट बीइंग ओवरबेयरिंग ऑन योर चिल्ड्रन, यानी कि उनको उन्हें हद से ज्यादा कंट्रोल करने के बजाय उनमें एक बॉडी कॉन्फिडेंस पैदा करें कि ये उनको बताएं कि आप जैसी भी हो अच्छे लग रहे हो और इट्स इम्पोर्टेंट टू बी हेल्थी रादर देन बीइंग थिन एंड ब्यूटिफुल जिसे कहते हैं। वो उसके बजाय हमें हमें हेल्थी रहना चाहिए, ये उम्र आपके खाने पीने की है, हेल्थी रहने की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मोटे हो जाएं ओबीस हो जाएं, लेकिन ये इस बात पे वो करें कि बॉडी कॉन्फिडेंस पैदा करें। सही। अच्छा वो लोग जो स्ट्रेस की हालत में या ग्रीफ की हालत में या एंजाइटी का शिकार होने में कंफर्ट ईटिंग के जरिए बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं और जिनका वेट जो है वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे चला जाता है, क्या ये भी ईटिंग डिसऑर्डर की एक शक्ल है? जी हाँ, कंफर्ट ईटिंग भी ईटिंग डिसऑर्डर की एक शक्ल है। जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक होता है, तो ये उसकी वर्स्ट शक्ल है, समझे आप, उससे कम भी हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जैसे मैं कहूंगा कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि काफी सारा खा लेते हैं और कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हैं तो फिर काफी वजन लूज हो रहा है। लेकिन एक इसकी शक्ल जो उससे थोड़ी सी कम है वो कंफर्ट ईटिंग की शक्ल है, जिसमें लोग जब भी स्ट्रेस हो वो खा लेते हैं। इसको कहा जाता है हमारे नफ्सियाती नुक्ते नजर में इसको कहा जाता है कि माल अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजी। जैसे कि अगर मुझे स्ट्रेस हो तो मुझे चाहिए कि मैं कुछ हेल्थी कोपिंग करूँ, जैसे कि हो गया कोई रीडिंग कर लूँ या किसी दोस्त से बात कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ, ये हेल्थी कोपिंग है। लेकिन अगर मैं अनहेल्थी कोपिंग की मुझे आदत हो जाए तो कुछ लोग शायद स्मोकिंग करने लगेंगे, कुछ लोग कोई मंशियात को अब्यूज करने लगेंगे और इसी तरीके से कुछ लोग खाने लगेंगे। इसे कहा जाता है कम्फर्ट ईटिंग। तो ये एक गलत हैबिट डेवलप हो जा सकती है और इसका इलाज काउंसलिंग से हो सकता है। सही। अच्छा कहाँ पर, बिकॉज यू आर अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, इसलिए ये सवाल मैं आपसे खास तौर पे पूछना चाहूंगी कि मेडिकेशंस की साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस की कब जरूरत होती है, किस स्टेज पे? जी इन साइकोलॉजिकल
जो ट्रीटमेंट्स हमारी ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए हैं उनमें ज्यादातर रोल काउंसलिंग का है और मेडिकेशंस का रोल भी है लेकिन कम है। मेडिकेशंस का रोल ज्यादातर बुलिमिया नर्वोसा में है जहां हम जो आमतौर पर एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करते हैं उसको ज्यादा मकदार में या ज्यादा डोज में देते हैं, उससे जो बिंज ख्वाहिश और बिंजिंग है वो सप्रेस होती है। और फिर ये एनोरेक्सिया में भी हम लोग जो है डिप्रेशन का इलाज करें तो देखा जाता है कि एनोरेक्सिया में भी बाज वक्त पैदा होता है। और बाज वक्त एनोरेक्सिया में कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी दी जाती हैं जिससे उनका जो प्री ऑक्यूपेशन टू गेट रिड ऑफ देयर वेट है वो थोड़ा सा कम होता है, जो ऑब्सेशन होता है वो कम होता है। तो मेडिकेशंस का रोल है लेकिन साइकोलॉजी से कम है। ओके, एक सवाल हमारे पास अभी आया है। दिस ब्रदर वांट्स टू नो कि क्या ये मर्दों में भी कॉमन है या सिर्फ खवातीन में ज्यादा पाया जाता है? जी, एनोरेक्सिया की और ईटिंग डिसऑर्डर्स की जो ज्यादातर हिस्ट्री है वो 20-25 साल 30 साल में हमको ज्यादा पता चली है। और शुरू में ये समझा जाता है कि दिस इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, इसको समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है और मर्दों पे भी काफी प्रेशर हो रहा है अच्छा दिखने का, यानी कि कम से कम वजन होने का, तो मर्दों में भी ये चीज काफी ज्यादा पाई जाने लगी है। इसको मैनोरेक्सिया कहते हैं अनऑफिशियल टर्म्स में, एनोरेक्सिया की जगह। लेकिन मर्दों में ये ज्यादा पाया जाता है एनोरेक्सिया, मैंने पेशेंट्स देखे हुए हैं मेरे पास एडमिट होते हैं पेशेंट्स अभी भी ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया से, जो क्लासिक एनोरेक्सिया जो होता है कम कम से कम सर वजन का वो भी होता है, लेकिन मर्दों में ज्यादातर जो होता है वो ये होता है कि ऑब्सेशन विद एक्सरसाइज हो गया, यानी कि वजन कम है लेकिन तीन तीन घंटे चार चार घंटे एक्सरसाइज। मैं अभी इस पे आने वाली थी। जी, तो इस तरीके के जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं मर्दों में। सही। अच्छा, ये आई एम रियली प्लीज कि आपने ये पॉइंट मेंशन किया, बिकॉज ये भी काफी ट्रेंड है और दिस कैन बी वेरी डैमेजिंग एज वेल, कि एक्सरसाइज एक तो अच्छी चीज है हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी के लिए, लेकिन एक होता है ओवर एक्सरसाइजिंग, ऑब्सेशन विद गोइंग टू द जिम, ऑब्सेशन विद फिटनेस, तो ये भी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है इन द लॉन्ग रन, और आगे जाके बहुत सारे जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, अर्थराइटिस वगैरह भी डेवलप हो सकता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या इसका भी कोई लिंक है बॉडी डिसमॉर्फिया से? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि साइंस भी मानता है, हमारा मजहब भी मानता है, मसावात बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को आप हद से ज्यादा अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी, तो एक्सरसाइज पे भी यही बात लागू होती है। अगर आपका, मैं आपको फिर वहीं लेके जाऊंगा, BMI अगर आपका नॉर्मल रेंज में है तो आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करें, ना कि ये कि और ज्यादा से ज्यादा कम उसको की तरफ लेके जाए। तो आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, अगर हद से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर 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 हम जिम जाते हैं तो वहां भी देखते हैं कि काफी काफी पतला आदमी है या पतली औरत है लेकिन वो भागे जा रही है ट्रेडमिल पे, हम समझ सकते हैं। मैं जब ऐसा देखता हूँ तो मुझे नजर आता है कि हाँ ये सही नहीं है, तो हमको ये चाहिए कि हम वहाँ ठहरें और ये मुताला करें कि क्या ये सही हो रहा है। काफी इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, मसल टेयर्स, मसल इंजरीज ओवर एक्सरसाइज से, जैसे कि आपने कहा जॉइंट प्रॉब्लम्स, अगर आप बॉडी को ओवर एक्सर्ट करेंगे जहां पे उसको नहीं होना चाहिए तो उसके नुकसान आपको आगे झेलने पड़ेंगे। सही। अच्छा, शुगर एडिक्शन वैसे तो एडिक्शन के कैटेगरी में आती है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि दे कांट हेल्प इट, दे हैव नो कंट्रोल ओवर दिस, और वो इतने डेंजरस लेवल पे चला जाता है उनका शुगर इनटेक कि फिर आगे जाके उनको डायबिटीज वगैरह दूसरी हेल्थ कंडीशंस हो जाती है। ये भी क्या एक शक्ल है ईटिंग डिसऑर्डर की? शुगर एडिक्शन को मैं साइंटिफिक टर्म में कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग कहूंगा। अगर अगर किसी ने
अनहेल्दी तौर पे डाइटिंग की, यानी कि अगर मैं भूखा रह गया 8-10 घंटे 15 घंटे, जो जो हमको इफ्तार में भी देखने में कभी कभी आता है कि हम लोगों ने काफी लंबा रोजा रख लिया, तो फिर हमें स्वीट्स खाने की या ऐसी चीजें खाने की जिससे हमको क्विक एनर्जी, ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि बॉडी को ये पता नहीं कि ये भूखा क्यों है, रोजे से है या खुद से है या किसी फैमिन में है या कहीं कहीं परेशान है, तो बॉडी चाहती है कि जल्द से जल्द फिर उसके सोर्सेज रिप्लेनिश हो जाए। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट ये या शुगर ये सोर्स है फूड का, जिससे क्विक एनर्जी मिलती है, क्विकली वो बॉडी में बनिस्बत फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट जल्दी से ब्रेक होता है, आपको जल्दी बॉडी को उससे एनर्जी मिल जाती है। तो अगर कोई इस तरह से डाइटिंग कर रहा है अनहेल्दी तरीके से, तो फिर उसको कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग होती है, शुगर क्रेविंग होती है, और बाज लोगों में ये चीज आगे बढ़ के शुगर की आदत या हैबिट हो जाती है। तो अगर उससे हम परहेज करें, अगर अगर कोई ओवरवेट भी है तो उसको ये चाहिए कि वो हेल्थी तरीके से अपना अपना वेट लॉस प्लान करे, और उसको कोई अगर हो सके तो कोई कोई डाइटिशियन कोई प्रोफेशनल की मदद ले, और उसको आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस डाइट के थ्रू, तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी खाएं, थोड़ा सा प्रोटीन भी खाएं, काफी सारे ऐसी चीजें खाएं जिससे आपका जो है हाजमा अच्छा हो, तो इस तरीके से बैलेंस डाइट खाएं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने कहा 0.5 kg to 1 kg पर वीक वेट लॉस, ये एक हेल्थी रेट ऑफ वेट लॉस है, तो इसमें शुगर क्रेविंग भी नहीं होती। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने एग्जांपल्स दी कुछ मेडिकेशंस की जो कि अक्सर दी जाती हैं उन लोगों को जो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार है, बात आपने की काउंसलिंग की भी, थेरेपी से भी लोगों को मदद मिलती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये डिवेलप ही ना हो। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि घरों में हमको ये माहौल बनाना चाहिए कि जिससे कि बॉडी कॉन्फिडेंस पैदा हो, हेल्थी ईटिंग पे ज्यादा तवज्जो हो, ना कि वेट लॉस पे तवज्जो। आमतौर पे ये देखा जाता है कि हमारे मीडिया में भी ओबेसिटी पे काफी एम्फसिस है, क्योंकि यह है भी कंट्री में एक ओबेसिटी एपिडेमिक जिसे कहा जाता है, वो ब्रिटेन फेस कर रहा है ओवर ईटिंग और ओबेसिटी मॉर्बिड ओबेसिटी से काफी लोग, तो इसीलिए गवर्नमेंट का एनएचएस के भी अगर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि वेट लूज करो, चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों को स्कूल से लेटर आ रहे हैं कि वेट लूज करो, आपका बच्चा थोड़ा सा ओबीस है, ऐसे करके। लेकिन वो अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, अगर ये चीज हद से ज्यादा कोई कोई बच्चा इसको इंटरनलाइज कर रहा है और ये समझ रहा है कि दुबले यानी कि पतले होने के बावजूद भी वो वेट लॉस पे मायल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि घर वालों को इस पे नजर रखनी चाहिए, बच्चों को बॉडी कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि कोई बात नहीं है, तुम जैसे हो अच्छे लग रहे हो, इस चीज पे फोकस करो कि हेल्थी लाइफ कैसी होगी, अच्छी लाइफ को लाइफ में खुश कैसे रहा जाए, ना कि बॉडी डिससैटिस्फैक्शन या बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन का वो शिकार। अच्छा, वो टीनेजर्स और यंग पीपल या वो बच्चे जो स्कूल में बुलिंग का शिकार हैं या जो जिनको बॉडी शेम किया जाता है, वो किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं ताकि वो इस तरफ उनका रुझान ना हो एनोरेक्सिया की तरफ? जी, मुझे ज्यादातर जो मैं पेशेंट्स देखता हूँ उनमें ये काफी हद तक वो कहते हैं मुझे कि मैं 2 साल तक मुझे बॉडी शेम किया जाता रहा स्कूल में, और ये काफी कॉमन है हाई स्कूल्स में, गर्ल्स हाई स्कूल्स में मैंने पाया है कि वो साल 1.5 साल 2 साल तक तो किसी को नहीं बताती क्योंकि वो इतनी शर्मिंदा हो जाती है। हमें एनकरेज ये करना चाहिए बच्चों को कि आके अपने घर वालों को या उनकी कोई टीचर है जिसको वो ट्रस्ट करती हो उनको ये बताए और फिर के डिस्कस करें और कुछ मदद लें, और अगर ये अगर हद से ज्यादा हो तो फिर कोई प्रोफेशनल की मदद लें, तो अर्ली उसको स्पॉट किया जाए और उसको अर्ली एड्रेस किया जाए अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर इसको जितना ज्यादा आप छोड़ देंगे फिर ये काफी भयानक शक्ल इख्तियार कर सकता है। पेरेंट्स के लिए या घर के वो अफराद जो इसका शिकार नहीं है लेकिन वो किसी ऐसे शख्सियत को जानते हैं अपने घर में या वर्क कोलीग्स में या दोस्त अहबाब में जो किसी न किसी ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं,
उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? हाउ कैन वी सपोर्ट समवन हु हैज एन ईटिंग डिसऑर्डर? वो कौन से सवालात हैं या कौन सी चीजें जो हमें एक ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट को नहीं कहनी चाहिए टू मेक थिंग्स वर्स? अगर उस तरीके से ये तो बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्या क्या कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि उसको काफी एम्पैथेटिकली अप्रोच करें कि ये ना कहें कि ये तुम मत खाओ, ये खाना चाहिए तुमको, या ऐसे कुछ डायरेक्टली उनको परेशानी में नहीं डालना चाहिए, लेकिन एक एम्पैथेटिकली ये पूछना चाहिए कि क्या मसला है, क्यों है? मुझे तो तुम नॉर्मल लगते हो, लेकिन क्यों मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या देख रही हो, तुम खा नहीं रही हो, क्या क्या हिस्सा है, क्या है? इस तरीके से डिस्कशन शुरू करना चाहिए। काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जो कि हेल्प करती है इस कॉन्टेक्स्ट में। मैं नाम लेना चाहूंगा बीट का, BEAT, जो काफी इसमें काम कर रही है। नॉन एनएचएस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी हेल्पलाइन होती है, उनको उन्हें साइन पोस्ट करें, आप कभी भी फोन उठा के उनसे बात कर सकती हैं, मदद ले सकती हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो जो पेशेंट्स आती हैं वो जब थोड़ा सा भी वेट लूज करती हैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, कह रहे तुम बहुत अच्छे, ये नहीं कहना चाहिए उनको। अगर कोई एबनॉर्मली लो वेट का लग रहा है तो फिर उसको बोलना चाहिए, लेकिन एक एम्पैथेटिक अंदाज में बोलना चाहिए। सही सही। अगर हम बात करें थेरेपी की, तो व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ थेरेपी फॉर ईटिंग डिसऑर्डर्स? मुख्तलिफ थेरेपीज हैं जिसका एविडेंस ऑफ बेनिफिट है, जी, और ये असेसमेंट पर डिपेंड करेगा। सही। क्योंकि इसमें कई कई वजह से मैंने आपको बताया था कि कई वजूहात से ये हो सकती है, तो इसका एक असेसमेंट होता है यूजुअली साइकोथेरेपिस्ट से या साइकाट्रिस्ट से कि ये क्या वजूहात हैं जो अंडरपिन कर रही हैं ईटिंग डिसऑर्डर को। उसके हिसाब से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जो जो कि काफी असरदार साबित होती है इसमें। और पिछले 8-10 साल में एक ऑक्सफोर्ड में CBT का एक फॉर्म, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक फॉर्म खास ईटिंग डिसऑर्डर के लिए डेवलप किया गया है, जिसको CBT-ED कहा जाता है, और इसके कुछ ये अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। NHS में भी ये मिलती है, प्राइवेटली भी ये मिलती है, इसके काफी अच्छे नतीजे हैं। उसके अलावा बुलिमिया में DBT का काफी रोल अच्छा साबित हुआ है। उसके अलावा इंटरपर्सनल थेरेपी IPT का भी अच्छा रोल सामने आया है। सही। अच्छा, अभी चूंकि माह रमजान है और रोजों के दिन चल रहे हैं, वो लोग जो एनोरेक्सिया या बुलिमिया या किसी भी ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं, उनके लिए ये वक्त काफी चैलेंजिंग है। इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस फॉर देम, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? जी हाँ, ये माह रमजान जो होता है ये काफी चैलेंजिंग वक्त होता है पेशेंट्स के लिए भी, और मेरे जैसे डॉक्टर्स के लिए भी जो उनको मैनेज करते हैं। क्योंकि जो एनोरेक्सिक पेशेंट होता है वो रोज़ा तो आसानी से रख लेगा, लेकिन इफ्तार के टाइम वो परेशान हो जाता है, क्योंकि सारी फैमिली के साथ बैठ के उसको खाना होता है जो कि वो खाना नहीं चाहता, और वजन और लूज करना चाहता है। तो ऐसे में हम फैमिलीज को एडवाइस करते हैं कि उनका ख्याल रखें, और अगर कोई बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो तो फिर उनको रोजा नहीं रखना चाहिए। इस्लाम में इसकी इजाजत है, क्योंकि अगर आप किसी बड़ी बीमारी है एनोरेक्सिया और आपको जान का खदशा है तो फिर आपको रोजे से एक्सक्यूज किया गया है, तो वो भी हमको दिमाग में रखना चाहिए। What about intermittent fasting? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीका है वेट लूज करने का, जो कि आजकल पिछले थोड़े सालों में काफी इस्तेमाल में आया हुआ है। अगेन, वट एवर टाइप ऑफ फास्टिंग, इफ यू आर डूइंग इट इन हेल्थी वे, ऑन हेल्थी BMI, दैट इज अ हेल्थी वेट रेंज, दैट्स ऑल राइट। लेकिन अगर इफ यू आर डूइंग इट वेयर इट्स वेयर इट शुडंट बी डन, देन
इट्स अ नो नो। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई आप ऐसी केस स्टडी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसा केस जो आपकी मतलब प्रोफेशनल करियर में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हो या चैलेंजिंग रहा हो। ये तो काफी वसी सवाल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 साल मैंने ईटिंग डिसऑर्डर्स में काम किया हुआ है। मैं शायद आपको आपको शायद दो केस बताऊं कि एक तो वो केस जो जो मेरे सारे 10 साल में, वो एक लेडी थी जो आती रही जाती रही अपने हॉस्पिटल में, एंड द लोएस्ट बीएमआई दैट आई विटनेस वाज बीएमआई ऑफ 8। सो टू पुट इट इन वाह, कॉन्टेक्स्ट, मैंने कहा था कि 20 to 25 बीएमआई नॉर्मल होता है। तो और टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट अगेन, बीएमआई 15 पे हमें हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, बीएमआई 13 पे इन पेशेंट हम उनको एडमिट कर देते हैं और मेंटल हेल्थ एप्स वगैरह कंपलसरी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो आप इमेजिन कर सकती हैं, बीएमआई 8 इज लाइक स्टैंडिंग ऑन डेथ्स डोर। तो और यस मेरे सारे 10 साल में उनका बीएमआई उन पेशेंट का 8 से 12 के बीच में हम लोगों ने मेंटेन किया, और उनको अब तक भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर हयात हैं। तो ये काफी एक बड़ा डिफिकल्ट सा केस मेरे एक्सपीरियंस में रहा है। और दूसरा एक केस मैं ये कहूंगा कि एशियन लेडी थी जिनको 3 साल तक ये पता नहीं था कि उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स है, और वो उनका वेट काफी कम था, मगर जैसे मैंने पहले केस में बताया वैसा नहीं, लेकिन बीएमआई उनका 15-16 का था। उनके बॉडी फंक्शंस इफेक्ट हो रहे थे, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, और उनको पता नहीं था कि उनको ईटिंग डिसऑर्डर है। और मुझे काफी मुश्किल हुई थी, उनकी फैमिली से फिर बात करनी पड़ी थी कि क्या है। तो फिर क्योंकि वो कहती थी कि मेरा मेरा हम मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं वेट गेन करना चाहती हूँ, लेकिन सबकॉन्शियसली मैं वेट लूज कर रही थी और डाइट रेस्ट्रिक्शन कर रही थी। तो ये भी एक काफी डिफिकल्ट केस था, ऑल्दो उतना डेंजरस नहीं था, लेकिन वी मैनेज टू ट्रीट हर। हम फिर थेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू हमने, और उनके वेट मैनेजमेंट के थ्रू थोड़ा अरसा लगा, तो 3 साल का अरसा लगा, लेकिन वो फिर ट्रीट हुई और सक्सेसफुली उनकी फिर एक फैमिली लाइफ हुई। तो उस वो भी केस मैं याद करता हूँ। इसका मतलब ईटिंग डिसऑर्डर से फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कंसेप्शन में भी डिले हो कॉमन, सकते हैं, वेरी और मेरे ख्याल कॉमन से एक डिसऑर्डर जी प्रेगनेंसी में भी होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स डाइट के होते हैं लोगों के, ताकि वो चाहते नहीं कि वेट जरा सा भी गेन हो। दैट्स क्वाइट डेंजरस एज वेल। जी हाँ, प्रेगनेंसी का भी एक अजीब ईटिंग डिसऑर्डर्स का लिंक है। देखा ये गया है कि आमतौर पे जब एक एक कुदरती कुछ रिलीफ आ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर्स में, प्रेगनेंसी में लोग, क्योंकि बच्चे की फिक्र होती है, तो वो डिस्पाइट बीइंग एनोरेक्सिक या डिस्पाइट हैविंग अदर ईटिंग डिसऑर्डर, दे स्टार्ट टू ईट नॉर्मली। और अल्लाह अल्लाह ने बच्चे का निज़ाम ऐसा बनाया है, जो पेट में होता है, फीटस जो होता है, वो अपना इंतजाम कर लेता है। तो वो अब वो सारा अपना गिजा चूस लेगा माँ से, तो माँ वीक हो जाएगी अगर ना खाए, लेकिन बच्चा ठीक ठाक होता है। लेकिन बाज वक्त फिर बच्चों पे भी असर होता है अगर ये अच्छा खाना ना खाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महमूद, आपने अपनी मसरूफियत से हमारे लिए वक्त निकाला, और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम देख के अब बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत सी आगाही मिली होगी लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए, और मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के बाद एवरीबडी विल बी चेकिंग देयर बीएमआईस के वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, जजाकुम अल्लाह खैरन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद द अमेजिंग एंड फैंटास्टिक वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अपनी जहनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।